बैक टू माई चैनल। तो आज है मेरा 16 सोमवार का उद्यापन। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी के जार में शक्कर ले लिया है। तो प्रसाद बनाने के लिए शक्कर को हम पीस लेंगे। तो मैं इतना शक्कर ले रही हूँ और यहीं पे डाल देंगे हम इलायची। तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो हम 2-3 इलायची डाल देते हैं, एक छोटा सा लौंग, और इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ पे मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इसी में मैं घी भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है घी, तो इसे मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3-4 चम्मच घी लिया है और इसे गर्म करने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे हमारी घी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें आटा डाल देंगे। तो मैं आटा डाल देती हूँ इसमें। तो मैं छान कर डाल रही हूँ आटे को। अब इसे चम्मच से हम चला लेते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से हम धीमी आंच में भूनेंगे फ्रेंड्स। तो घी के साथ आटे को भूनेंगे। तब तक थोड़ा धीमी आंच में है, तब तक हम काजू और बादाम काट लेते हैं। तो इसे भूनने के लिए छोड़ देते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमने प्रसाद में डालने के लिए यहाँ पे काजू लिया है, तो 10-15 काजू लिया है। यहाँ पे किशमिश लिया है, तो ये रहा हमारा किशमिश, ये रहा हमारा बादाम, और ये रहा हमारा पिसा हुआ शुगर। तो अभी हम प्रसाद को अच्छे से भून लेंगे और सारी चीज़ों को फिर हम मिला लेंगे। तो पहले हम प्रसाद को अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्रसाद भून रहा है। तो इसे अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा आँच में मीडियम रख लेती हूँ और अच्छे से अभी भून लेती हूँ खुशबू आते तक। तो जो ये घी घी है वो आटे हो चुके हैं, उसको तोड़ देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे, जो गठान बन चुके हैं उसे फोड़ते हुए। तो यहाँ पे हम काजू को कट कर लेते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कट कर लूंगी। और इसी तरह से मैं बादाम को भी कट कर लूँगी। तो इसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है फ्रेंड्स। या फ्रेंड्स, मैं इसमें ट्राई करके देखती हूँ, अगर इसमें चॉपर में चॉप हो जाए तो अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। तो ट्राई करके देखते हैं हम। ज़्यादा नहीं चॉप करेंगे, थोड़ा। अरे ये तो हो रहा है, तो इसमें जल्दी आसानी से हो सकता है, चाकू में काटने से। वाह, ये तो काम कर गया। तो बाकी सभी को भी मैं इसी में चॉप कर लेती हूँ।
तो सावधानी से करें फ्रेंड, थोड़ा सा खिसक रहा है इधर उधर, तो जहाँ कपड़े रखकर नीचे में करें तो इससे ये नहीं खिसकेगा। तो ये हमारे काजू और बादाम फाइन चॉप हो चुके हैं, तो हम इसे भी प्रसाद में मिला देते हैं और साथ में भुनने देंगे। किशमिश को हम बाद में डालेंगे क्योंकि वो जलने लग जाती है। तो काजू, किशमिश, बादाम डाल रहे हैं और काजू और बादाम को हमने क्रश कर लिया है, किशमिश को हम बाद में डालेंगे। इसे अच्छे से भून लेते हैं अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा ने अपना कलर चेंज कर दिया है और हमारा प्रसाद भुन गया है। फिर भी हम थोड़ी देर और भुनेंगे इसे हल्के आंच में। तो जितना भुनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स इसका। तो प्रसाद बहुत अच्छे से भुन जाए उसके बाद फिर हम इसमें शुगर को, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मिलाएंगे, पहले से नहीं डालेंगे। अगर गर्म में हम डालेंगे तो ये फिर शुगर है वो चिपक जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा, इसलिए हम इसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही मिलाएंगे। तो हमारा प्रसाद बहुत अच्छे से भुन गया है, तो इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो आटा हमारा वाइट था, अब देखिए ये ब्राउन हो चुका है भुनकर। तो इसी तरह से अच्छे से भुनेंगे फ्रेंड्स प्रसाद को, और फिर ठंडा हो जाए तो वैसे ही हम इसमें अपने प्रसाद में शुगर को ऐड कर देंगे। उसी खाली कढ़ाई में नहीं रखेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो नीचे से वो जल सकती है, तो इसलिए हम इसे दूसरे बर्तन में डाल देंगे। और ये हमारा प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें शुगर हम थोड़ी देर में ऐड कर देंगे, अभी ऐड नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमने शुगर पीस कर रखा है, इसमें इलायची और लौंग डाला है, इसे हम मिला लेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तब। तो ये हमारा प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम ऊपर से थोड़ा सा बादाम डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए, और यहाँ पे किशमिश जो मैंने पहले नहीं डाला था उसे अभी डाल रही हूँ, तो इसे भी डाल देती हूँ और शुगर को ठंडा होने के बाद डालेंगे। तो ये हमारा प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करना। मैं शुगर मिला देती हूँ। तो ये रहा हमारा शुगर, आधा शुगर मैंने डाल दिया है, अभी और डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो लगभग आधी कटोरी शुगर मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने अभी आधी शुगर डाली है, आधी कटोरी। और ये बनकर तैयार हो चुका है।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बाय बाय। मंदिर, तो आज मैं इसकी सफाई कर रही हूँ, तो देखिए थोड़ा मैसी मैसी हो गया है और डस्ट हो गया है, तो मैं इसे अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को साफ सफाई करके रखा है अभी, और बचे हुए हैं तो सारे भगवान जी का मैं सफाई कर देती हूँ अभी। तो मैंने एक साफ टॉवल लिया है, तो ये टॉवल मैं भगवान जी के सफाई के लिए ही रखती हूँ, तो इससे मैं अभी सफाई करूँगी। तो ये रहा हमारे कृष्ण जी, तो इस तरह से मैं अच्छे से सफाई कर देती हूँ। एक नैपकिन रखा है मैंने साफ सुथरा करने के लिए, तो ये हमेशा मैं साफ करके भगवान जी के लिए ही रख लेती हूँ और इसे और यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरह से हम सारे मंदिर की सफाई अच्छे से कर लेंगे। तो ये मोर पंख है जो मैंने रखा हुआ है मंदिर में, तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। आप भी कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह से अपने मंदिर को रखते हैं। तो मैं पूरे पहले नीचे उतार लूँगी, उसके बाद मैं इसकी सफाई करूँगी। तो यहाँ पे इसे स्टैंड में रख देती हूँ और मैं करते जाती हूँ सफाई। ये है हमारी अंगार मोती माता, जहाँ पे हम अभी गए थे घूमने के लिए, तो मैंने इसका वीडियो डाला था जो जंगल में स्थित है। ये मंदिर में नहीं है फ्रेंड्स, खुले वातावरण में रहती है माता। तो ये है हमारी अंगार मोती माता, तो आप भी दर्शन कर लीजिएगा। और ये है हमारी बिलई माता, तो धमतरी के प्रसिद्ध विंध्यवासिनी माता है ये। ये भी यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, माता की बहुत मान्यता है। और यहाँ पे है मेरे नंदी महाराज, भोले बाबा जी, तो इन्हें भी मैं सफाई कर देती हूँ अच्छे से। तो मैं जल्दी जल्दी सभी चीज़ों को हटाकर सफाई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाते जाती हूँ। तो अभी हम यहाँ पे सफाई करके तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम बिछा देंगे अभी पेपर, ये हमारा पकवान का जगह पूरी तरह से हमने हटाकर क्लीन कर लिया है, तो बहुत अच्छे से साफ कर लिया है। और ऊपर की तरफ मैंने ये जमा के भी रख दिया है। अभी नीचे मैं थोड़ा सा हिस्सा ये वाला बचा हुआ है जिसमें धूप और ये सब रखे हुए हैं, तो ये सबको हटाकर मैं इसे भी क्लीन कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जमा लिया है मंदिर को।
और ये रहे मेरे कृष्ण जी, ये रही मेरी माता लक्ष्मी और गणेश जी, ये माता अम्बे और ये हमारी बिलई माता और हमारी लक्ष्मी माता और सारे भगवान जी अपने अपने स्थान में विराजमान हैं। तो इस तरह से हमने सफाई कर ली और हमारी मंदिर बहुत ही अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। कोयल है, भाग गई, गेट में खड़ी है। तो अभी सुबह हो चुकी है और मम्मी हमें टिफिन दी है, उसमें लच्छा पराठा या कौन पराठा पराठा और ये रहा आम का चाय। तो इसे पैक कर देते हैं और ये रहा आम का अचार। आम का अचार, ये भी घर का बना हुआ अचार है। तो इसकी रेसिपी हम लोग गर्मी में डालेंगे जब आम आएंगे तब, है ना। आज है बनी का स्पोर्ट डे, तो बनी ये ड्रेस पहन के जा रही है जो सैटरडे को पहन के जाती है। और बनी तैयार हो चुकी है, आई कट सीधा करो। तो बनी आज जीत के आएगी कि क्या करके आएगी? जीत के रेस में फर्स्ट आएगी। पानी नहीं पीना दौड़ने से पहले, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा पीना भले, लेकिन ज्यादा नहीं पीना। अगर ज्यादा पिएगी तो फिर पेट दुखेगा, फिर उल्टे होगा। हाँ, तो इसलिए दौड़ने से पहले पानी ज्यादा नहीं पीना है और एकदम से दौड़ के भी नहीं पीना है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, सब लोग को बोलो कि मैं जीत जाऊं करके बोलो, है ना। मैं जीत जाऊं कल भी बात है। हैं? तो वही बस पढ़ाएगी। हाँ। स्कूल में है बोल रही है। बाय हनी बनी।